राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उमंग श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। मुझे भी भेजो ना माँ। माँ तुम बोलती क्यों नहीं? स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता है, कुछ बोलो ना माँ। मैंने तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात की थी। माँ बोलो ना, पिताजी ने क्या कहा? बेटी तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि हमारे परिवार में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें तो घर का काम चूल्हा चौका ही करना है। माँ बच्चों, ये बालिका आगे चलकर भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। इनका नाम था आनंदीबाई जोशी। इनका जन्म 31 मार्च 1865 को मुंबई यानी बंबई के कल्याण नामक स्थान पर हुआ। आनंदी का परिवार पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला था। केवल 9 वर्ष की आयु में ही आनंदी का विवाह उससे काफी बड़े आयु के गोपाल राव जोशी के साथ कर दिया गया। गोपाल राव बड़े ही उदार हृदय के व्यक्ति थे। वो अक्सर आनंदी का उदास व बुझा हुआ चेहरा देखकर चिंतित रहते और एक दिन आनंदी क्या बात है, तुम कुछ उदास दिख रही हो। हाँ बोलो बोलो ना। मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हो? अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है, तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सच? आप कितने अच्छे हैं। गोपाल राव की सोच थी कि खुशहाल परिवार के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक है, इसलिए उसी दिन से उन्होंने आनंदी को पढ़ाना शुरू कर दिया। आनंदी आनंदी जी। आनंदी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पुस्तक और ये स्लेट मेरे लिए? हाँ आनंदी ये तुम्हारे लिए ही है। पढ़ना वो भी एक लड़की का उस समय के लोगों को भला कैसे सहन होता। आस पड़ोस के लोग गोपाल राव और आनंदी पर कटाक्ष करने लगे। देखो तो सही, अरे शर्म नहीं आती है, लाज शर्म तो बिल्कुल खत्म ही हो गई है समाज से। और नहीं तो क्या, इस तरह के लोगों को तो शर्म नहीं आती है। अरे देखो तो सही, पत्नी को
पढ़ाने चला है, शर्म नहीं आती? अरे यदि महिलाएं पढ़ने लगी तो खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पशुओं की देखभाल कौन करेगा? गोपाल राव करेगा। घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। समाज तो आनंदी के पढ़ने के विरोध में ही था, उसके माँ बापू भी पढ़ाई के कारण आनंदी से नाराज रहने लगे। यहां तक कि उसकी दादी ने तो एक बार उसकी किताबें जानवरों के आगे फेंक दी। लेकिन आनंदी का दृढ़ संकल्प, परिश्रम तथा गोपाल राव का सहयोग रंग लाने लगा था। आनंदी घर पर ही पढ़ाई करने लगी। इसी दौरान आनंदी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन एक सप्ताह बाद ही बच्चा बीमार हो गया और सही समय पर इलाज ना होने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। लेकिन आनंदी ने हिम्मत नहीं हारी, उसने पढ़ाई जारी रखी। देखते ही देखते वो मराठी, गणित और अन्य विषयों में पारंगत हो गई। सुनो जी, मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम अपने बच्चे को बचा नहीं पाए, इसलिए मैं अब डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या? ताकि किसी माँ का बच्चा इलाज के अभाव में ना मरे। ठीक है आनंदी, तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए मैं अपना तबादला कोल्हापुर से मुंबई करवा लेता हूँ। जैसा आप ठीक समझे। मुंबई आने पर आनंदी ने एक मिशनरी स्कूल में प्रवेश लिया और वहीं आनंदी की पढ़ाई जारी रही। लेकिन गोपाल राव का विचार कुछ और ही था। अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए अपने जानने वालों से वो आनंदी की पढ़ाई के विषय में जानकारी हासिल करने लगे। फिर एक दिन, आनंदी, मेडिकल की पढ़ाई के लिए तो तुम्हें अमेरिका जाना होगा। लेकिन हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने सुना है कि उच्च शिक्षा के लिए कुछ व्यक्ति तथा संस्थाएं योग्य विद्यार्थियों की मदद करती हैं। अच्छा? हाँ, इस बारे में मैं कुछ समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में लिखूंगा। फिर गोपाल राव अपने काम में जुट गए और समाचार पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे। गोपाल राव के एक पत्र को ब्रिटिश मिशनरी मेरी कारपेंटर ने पढ़ा। उसने आनंदी की मदद करने का फैसला किया। देखो जी, मेरी कारपेंटर ने हमारी मदद करने के लिए पत्र लिखा है। सच? हाँ। दिखाओ तो। इस प्रकार मेरी कारपेंटर व आनंदी एक दूसरे को पत्र लिखने लगी। आनंदी मेरी कारपेंटर को मौसी कहने लगी। अपने पत्रों में आनंदी भारत के जनजीवन व रीति रिवाजों के बारे में मेरी कारपेंटर को जानकारी देती। शीघ्र ही आनंदी के अमेरिका जाने के लिए धन का प्रबंध हो गया। लेकिन वो धन इतना नहीं था कि आनंदी व गोपाल राव दोनों जा सकते। आनंदी जी, तुम
अमेरिका अकेली ही जाओगी। आप क्यों नहीं? आनंदी, अभी इतने ही धन का प्रबंध हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बाद में आ जाऊंगा। जी। उस समय किसी महिला का अकेले विदेश जाना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। समाज में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। 7 अप्रैल 1883 को आनंदी पानी के जहाज से कलकत्ता से अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई। उस समय अमेरिका जाने के लिए पानी का जहाज ही यातायात का साधन था। इस प्रकार वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लेकिन अमेरिका जाकर भी आनंदी ने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा और खान पान में भी अपने पारिवारिक संस्कारों को नहीं छोड़ा तथा शुद्ध शाकाहारी ही रही। पेंसिल्वेनिया में अत्यधिक ठंड थी, इसका उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन खराब स्वास्थ्य के बावजूद 11 मार्च 1886 को आनंदी बाई ने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त की। पेंसिल्वेनिया में आनंदी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा था। उन्हें क्षय रोग ने जकड़ लिया था। उस समय टीबी एक असाध्य रोग था। आनंदी को अपना देश याद आ रहा था। उनकी आंखों में बीमार लोगों की सेवा का सपना था। इसी बीच गोपाल राव भी पेंसिल्वेनिया पहुंच गए। अक्टूबर 1886 में वो गोपाल राव के साथ मुंबई के लिए पानी के जहाज से रवाना हुई। सुनो जी, पता नहीं मुंबई में लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। अरे घबराओ मत, अब तुम डॉक्टर आनंदीबाई जोशी हो। आशा के विपरीत मुंबई बंदरगाह पर सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। डॉक्टर आनंदी भाई जिंदाबाद, डॉक्टर आनंदी भाई जिंदाबाद, डॉक्टर आनंदी भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद जी तो बिल्कुल नहीं बदले, देखो तो सही, इनकी पोशाक आज भी भारतीय है। हां हां बिल्कुल भारतीय है, हां ये तो बिल्कुल नहीं बदले। जिंदाबाद। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी की नियुक्ति कोल्हापुर रियासत के एल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में हुई। उन्हें इस अस्पताल के महिला वार्ड का इंचार्ज बनाया गया। लंबी समुद्री यात्रा के कारण इनका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो गया था। आनंदी सुनो जी। हाँ। अब मैं नहीं बचूंगी। आनंदी मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं आनंदी नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम्हें स्वस्थ होना ही है। आनंदी तुम्हें गरीब बीमार लोगों की सेवा करनी है। मुझसे जितना बना मैंने किया। आनंदी आनंदी
डॉक्टर आनंदीबाई जोशी अधिक समय तक जीवित नहीं रही। स्वदेश लौटने के कुछ महीने बाद ही 26 फरवरी 1887 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आयु भले ही कम रही, परंतु देश की पहली महिला डॉक्टर के रूप में वो सदा के लिए अमर हो गईं। आने वाले समय में लाखों भारतीय महिलाओं के लिए साहसी डॉक्टर आनंदीबाई पथ प्रदर्शक बनी रहीं और बनी रहेंगी। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉक्टर राजदेव सिंह, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज शर्मा, बाबला कोचर, सुचित्रा गुप्ता, राजश्री त्रिवेदी और श्रेया, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और दीपा, तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।